Hi friends, Supreme Court has banned crackers on Diwali Day 2017. I am not doubting the wisdom of our judiciary, they are most honourable. But point is, will burning of crackers ban will help? In the long run, no. In the last one decade, had the government of Delhi, had the government of India taken care of, तो आज के दिन ये मुसीबत नहीं आती। अब ऐसी कौन सी पांच चीजें हैं जिनका अगर ख्याल रखा होता तो आज का ये दिन दिवाली जो 2017 में मना रहे हैं बिना पटाखों के हम सोच भी नहीं सकते। वेरी बैड, गवर्नमेंट पहले सो रही थी क्या? तो ऐसी कौन सी पांच चीज़ें जिनका अगर ख्याल रखा जाता तो आज ये दिन दिखना नहीं पड़ता। दे आर कोल फायर्ड पावर प्लांट्स, व्हीकलर इमिशंस, बर्निंग ऑफ क्रॉप रेजिड्यू, रेडीमिक्स कॉन्क्रीट बैचिक प्लांट्स एट कंस्ट्रक्शन साइट्स एंड बर्निंग ऑफ म्यूनसिपल वेस्ट। नाउ लेट अस डिस्कस देम वन बाय वन। कोल फायर्ड पावर प्लांट्स, थर्टीन थर्मल पावर प्लांट्स आर विद इन 300 किलोमीटर रेडियस ऑफ दिल्ली। अब दिल्ली का हम जो नक्शा देख रहे हैं, अब इसके जो गोला बनाया है इसी दिल्ली के 300 किलोमीटर रेडियस में 13 थर्मल पावर प्लांट्स हैं। जो पॉलिसी मेकर थे, ब्यूरोक्रेट्स थे, ब्यूरोक्रेट्स अपने आप तक कोई पावर प्लांट सैंक्शन कर नहीं सकते थे जब तक कोई कैबिनेट मिनिस्टर साइन ना करे। तो हमारे पॉलिटिशियन क्या सो रहे थे, बेवकूफ़ लोग। अब सिमिलरली दीज एमिट सेकेंडरी पार्टिकल्स दैट कंट्रीब्यूट 30% ऑफ पीएम 2.5 इन विंटर एंड 15% इन समर। अब बताओ इन थर्मल पावर प्लांट्स का, दोज थर्मल पावर प्लांट्स विच आर लोकेटेड विद इन 300 किलोमीटर रेडियस ऑफ दिल्ली एमिट 30% ऑफ पीएम 2.5 इन विंटर एंड 15% इन समर। अब बताओ इनका ही कितना योगदान है। व्हाई इट बिकेम दिस बैड? वीक मॉनिटरिंग मैकेनिज्म, इनसफिशिएंट स्ट्रिंजेंट स्टैंडर्ड्स, लीगल फ्रेमवर्क फॉर थर्मल पावर प्लांट्स नॉट रिक्वायर ऑपरेटर टू इंस्टॉल स्पेसिफिक टेक्नोलॉजीज, एमिशन लिमिट्स इन प्लेस बट नो गाइडलाइंस ऑन टेक्नोलॉजी टू अब्सॉर्ब रिड्यूस एक्सेस एमिशंस। अब कहने का मतलब ये ना तो इनकी प्रॉपर मॉनिटरिंग की गई कि इसमें कितने कैसे स्टैंडर्ड रखने चाहिए, और स्टैंडर्ड्स बड़े स्ट्रिक्ट नहीं है। अब जो लीगल खाका ही है कि उसमें अगर थर्मल पावर प्लांट खोलना है तो उसके अंदर जो मशीन लगानी है वो किस टेक्नोलॉजी की लगानी है, कितनी अच्छी टेक्नोलॉजी की लगानी है, कुछ ऐसे गाइडलाइन ही नहीं है। अब कानून तो बना हुआ है, एमिशन लिमिट इतनी होनी चाहिए, अब उसको टेक्नोलॉजी भी दो, मानो पावर प्लांट लगा दिया तो वट एवर स्मोक दैट इज एमिटेड देयर आर टेक्नोलॉजीज अवेलेबल, वेपर द स्मोक दैट इज एमिटेड देयर आर एडसॉर्बेंट्स अवेलेबल दैट इज नॉट इन प्लेस। नो हाउ टू फिक्स इट? अब एनवायरमेंट रूल्स बना दो, रियल टाइम ऑनलाइन एमिशन मॉनिटरिंग सिस्टम कर लो, एंड दीज आर द थिंग्स। बट हिंदुस्तान में कानून तो बड़े बने हुए हैं, इम्प्लीमेंट नहीं होते। टू व्हीकलर एमिशंस, नाउ द थ्रेट, सिंस 2000 व्हीकल्स इन दिल्ली हैव इंक्रीज्ड बाय 97%, पर्टिकुलेट मैटर बाय 75%, नाइट्रस ऑक्साइड जिसकी वजह से हमें स्मॉग देखने को मिलती है दैट इज अप बाय 30% बिटवीन 2002 एंड 2014। इन विंटर द व्हीकल्स कॉन्ट्रीब्यूट 20-25% टू पार्टिकुलर पोल्यूशन। अब इंक्रीज नंबर ऑफ व्हीकल्स भी था। अब दिल्ली की जनसंख्या बढ़ रही है, दिल्ली हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम है देश की, सारे लोग दिल्ली में रोजगार ढूंढने आ जाते हैं, रोजगार मिल जाता है, पहले किराए का मकान लेते हैं, फिर टू व्हीलर, फिर कार, मतलब धीरे धीरे अपने पैर जमा लेते हैं। पॉइंट इज दैट दिल्ली इज नॉट द प्लेस वेयर यू कैन हैव इंडस्ट्री।
अब दिल्ली में वजीरपुर के अंदर स्टील इंडस्ट्री है, एसिड एमिशन निकलते हैं, ऐसे दिल्ली में छोटे 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 स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कितनी हैं जो लेबर इंटेंसिव हैं। तो इन दिल्ली वी शुड नॉट हैव इंडस्ट्री विच इज़ लेबर इंटेंसिव। अब वो लेबर कितना कमाती है, कोई 20,000 कमा रहा है, कोई 25-30, कुछ तो 15,000 भी कमा रहे हैं। अब जो दिल्ली में बंदा 15,000 कमाएगा कैसे सर्वाइव कराओगे, झुग्गी झोंपड़ियों में रहेगा, सिलेंडर नहीं होगा, चूल्हा जलाएगा, कुछ वट एवर। दी आर नॉट द काइंड ऑफ पीपल शुड हु शुड बी इन दिल्ली। पहली बात तो गवर्नमेंट शुड कम आउट विद द पॉलिसी वेयर बाय स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होनी नहीं चाहिए दिल्ली में। नॉ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होगी, उनकी टेक्नोलॉजी भी अच्छी नहीं होती, उनकी टेक्नोलॉजी सारी ऐसी होती है जो इट्स पॉल्यूशन क्रिएटिंग। इफ़ यू हैव वेरी गुड इंडस्ट्रीज दे वी यूज बेस्ट द टेक्नोलॉजी नंबर वन, देन इट वुड नॉट बी लेबर इंटेंसिव। लेबर इंटेंसिव होने से दिल्ली की जनसंख्या बढ़ेगी, दिल्ली की जनसंख्या बढ़ेगी तो पॉल्यूशन बढ़ना ही बढ़ना। दिल्ली शुड बी अ प्लेस वेयर ओनली क्वालिटी पीपल शुड बी देयर, लाइक सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल्स एंड अदर प्रोफेशनल्स। देन इट इज़ द कैपिटल ऑफ द कंट्री, देन ऑल द गवर्नमेंट ऑफिसेज आर देयर, देन वी शुड हैव इंडस्ट्री विच इज़ नॉट पॉल्यूटिंग, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। एंड नंबर टू, इट शुड नॉट बी लेबर इंटेंसिव। सो वी शुड ट्राई टू कंट्रोल द पॉपुलेशन ऑफ दिल्ली एंड ट्राई टू हैव क्वालिटी पीपल एंड क्वालिटी इंडस्ट्री विच इज़ नीदर क्रिएटिंग पॉल्यूशन एंड नीदर क्रिएटिंग इंक्रीजिंग द पॉपुलेशन। How it became this bad? No coherent policy on checking vehicular pollution. Measures limited to ad hoc plans like odd even policy, implemented orders like phasing out of old vehicles, standardized toll taxes between municipality agency and टोल टैक्स बेकार की चीज़ है। गवर्नमेंट को इतना टैक्स देने के बाद टोल टैक्स देना है तो लाना था। एंड नाउ इन दिल्ली ओला एंड उबर आर डूइंग वेरी गुड जॉब्स, सो पब्लिक ट्रांसपोर्ट शुड बी इंकरेज। बट विद रिस्पेक्ट टू ऑटोज, देयर इज सो मच ऑफ धांधलेबाजी एंड फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर नॉट डिसिप्लिंड, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। देन देयर इज सो मच ऑफ धांधलेबाजी इन getting licenses of autos. Battery rickshaws are doing good job, but government is not supporting them, to be very frank. Delhi Metro is not supporting battery rickshaws at all. There are no proper parking places or places where battery rickshaws can pick up the passengers. Rather, Delhi Metro should have come out with a proper arrangement whereby battery rickshaws in lane could enter Delhi Metro stations on the roads and could pick up the passengers in a safe manner. After all, a lot of jobs are created by many self-employed battery rickshaw owners, and then passengers are also comfortable. They are cheap, they are costly, they are not pollution. I don't know what, who are the policy makers, I don't know. Then burning of crop residue. I wonder a UTC had the guts to ban crackers on Diwali 2017, but nobody comes out openly for farmers. Why should farmers burn the crops residue in Punjab and Haryana? किसी की हिम्मत नहीं है उनको बोलने की, क्योंकि वो वोट बैंक है, जबकि सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन वहीं पर होता है। Now how much they are contributing? They contribute 140 microgram. A tradition among farmers who believe practice helps control diseases and pests in crops and promotes crop propagation and rotation. Punjab crop burned annually 19.6 million tons in Punjab, 21 in UP, 91 in Haryana. So these are the tons, million tons of crops that are burned, and they cause a lot of pollution in Delhi. The satellite pictures are the evidence for that. Now, readily mixed concrete. Now, real estate industry is controlled by people who are backed by politicians. The technology in the real estate industry is going good day by day, but nothing much has been done with respect to that.
रियल स्टेट इंडस्ट्री का बहुत ही बुरा हाल है। पहली बात तो फ्लैट मिलता नहीं है टाइम से, पैसे पैसे खा लेते हैं, देन रियल स्टेट ओनर्स आर बैक्ड बाय पॉलिटिशियंस। इट इज़ जस्ट ओनली बिकॉज ऑफ द हेल्प ऑफ जुडिशरी दैट मैनी पीपल हैव गॉट द मनी बैक, अदरवाइज बेड़ा करके। देन सैंड माफिया, नो सैंड इज मूविंग ऑन द रोड्स इफ यू आर ड्राइविंग टू व्हीलर, एंड अनफॉर्चुनेटली इफ यू आर बिहाइंड ए ट्रक दैट इज कैरिंग सैंड एंड यू आर ऑन टू व्हीलर बिहाइंड दैट ट्रक एंड बाई चांस योर हेलमेट ग्लास इज ओपन, सारी रेत आंखों में आ रही होती है, बाय गॉड। और ये तो एक जस्ट सिंपल सा एग्जांपल है, अदरवाइज कंस्ट्रक्शन साइट्स पे आप देखो धूल ही धूल उड़ रही होती है। नो पानी और म्यूनसिपल वेस्ट, म्यूनसिपैलिटी तो बहुत ही घटिया, चाहे दिल्ली की हो चाहे मुंबई की हो, बहुत ही बुरा हाल है। पॉलिटिकल पार्टीज विल चेंज फ्रॉम आम आदमी टू बीजेपी म्यूनसिपैलिटी, नो एमसीडी इज बी डोमिनेटेड बाय बीजेपी फॉर गेट अ लॉन्ग टाइम, व्हाट बुलशिट दे हैव डन। नाउ स्वच्छ भारत ऑन वन साइड एंड स्ट्राइक ऑफ स्वीपर्स ऑन अदर साइड, देन दे डोंट हैव मनी, माई गॉड। अच्छा सबसे बड़ी बात, दिल्ली में वी थिंक व्हीकलर पॉल्यूशन इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग अ लॉट, बट डियर फ्रेंड्स वी विल ऑल एग्री, हमारे घर के आसपास कभी ना कभी आपने जरूर देखा होगा हफ्ते में एक दो बार स्वीपर होते हैं सड़क पर झाड़ू लगाया, और जो पत्ते जो भी खड़ कूड़ा करके बैठा हुआ वहीं पर चीन माचिस की तेल लगा के उसको आग लगा देते हैं, धुआं फैल रहा है। आप पार्क में जाओ तो वहाँ पर माली लोग अपना इकट्ठा करके वहीं आग लगा देते हैं, मतलब व्हाट बुलशिट कॉमेडी, दे नो दैट इट क्रिएटिंग पॉल्यूशन, वो अपना काम चोरी, आई डोंट नो यार, वेरी बैड स्टेट। वेस्ट को बर्न क्यों करना, ग्रीन लीव्स हर हॉर्टिकल्चर वेस्ट उसको भी बर्न कर रहे होते हैं, इफ यू गो टू वेरी गार्बेज बिन्स वेयर म्यूनसिपैलिटी शुड बी, वहाँ पर भी आग लगी होती है। अब वो जो एक्सीडेंट हुआ दिल्ली में गाजीपुर, जहाँ पूरा कूड़ा का पहाड़ गिर गया एंड पीपल डाइड, सिमिलरली इफ यू गो टू मकरबा चौक, उतना बड़ा लैंडफिल हमेशा ही आग लग रहती है, वहाँ पर धुआं निकलता ही रहता है। What about that? Why judiciary is not asking for that? Why judiciary is not pressurizing the government that what they have done if somebody is burning horticulture waste or those on Delhi? Why not come against that? Diwali pe gussa to aayegi.